तो आपका मेरा ऑफिशियल चैनल में स्वागत है आज मैं आपको बताऊंगी अमीनो रस के मुख्य फायदे जो कि हमारे शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाकर बीमारियों से बचाता है एवं गैस की समस्या कब्ज की समस्या तथा किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी में काफ़ी असरदार है सांस और अस्थमा में भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है थाइरॉयड व बासिर में भी फायदा पहुंचाता है पुराने से पुराना फीवर या जुकाम में भी उपयोगी है इसके अलावा दाद खुजली एवं अन्य स्टेप कैंसर में भी उपयोगी है टीबी जैसी भयंकर बीमारियों को भी खत्म किया जा सकता है एवं अल्टीमेट रिजल्ट इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको मिलता है दोस्तों इसलिए कहते हैं प्रोडक्ट एक काम अनेक यह कोई दवाई नहीं है यह प्रॉपर एक आयुर्वेदिक रस है जो डेली नीड आयुर्वेद स्वस्थ और बीमारी दोनों उपयोग कर सकते हैं स्वस्थ और बीमार लोग दोनों उपयोग कर सकते हैं इसको सेवन करने की विधि 20-20 बीस मल दिन में सुबह शाम लेना है खाना खाने के एक घंटे के बाद इसकी जो मेन कॉम्पोजिशन है जो इसका मिश्रण है उसमें सबसे पहले इसमें एलोवेरा रस है उसके बाद त्रिफला है कोकम है तुलसी लीव है जिंजर है गिलोय है अश्वगंधा है पुनर्वा है मुलट्ठी है और एप्पल का एक्सट्रैक्ट इन सभी चीज़ों को मिला के ये एक औषधि बनाई गई है जो कि लगातार लेने से हमारे शरीर की पावर को इम्यूनिटी पावर को और बीमारियों से लड़ने की शक्ति को बढ़ाती है इसके अलावा इसको लेने के लिए जो सावधानियाँ यूज़ करनी है पानी जो है अधिक मात्रा में पीना अनिवार्य है लगभग दिन में तीन से चार लीटर आप इसको लें सेवन पानी लें और इसका जो डेली आप सेवन करें तो डॉक्टर्स अगर कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इसको लेना चाहती है तो वो प्लीज डॉक्टर से संपर्क करके ही इसको लें अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग लेडी जो इसको लेना चाहती है वो खट्टे पदार्थ वगैरह महिलाएं अगर इसको लेंगी खट्टे पदार्थ वगैरह का सेवन या नींबू और अचार इमली या चटनी का सेवन बिल्कुल भी ना करें पा, और पांच साल से जो छोटे बच्चे उपयोग ना करें अगर आपको गैस कब्ज है तो आपको खाना खाने से एक घंटे पहले उपयोग करना है इसके अलावा अन्य कई बीमारियां या समस्या है तो खाना खाने के एक घंटे बाद उपयोग में लें। ध्यान रखें बोतल खोलने के बाद एक महीने के अंदर में उपयोग कर लें इसके अलावा अन्य जानकारी के लिए आप मेरे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं जो कि स्क्रीन पर है थैंक यू वेरी मच मेरे इस चैनल पर बने रहने के लिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो